एक बार की बात है, बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सब लोग जाने लगे। तभी बुद्ध ने देखा कि एक आदमी कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उसके पास गए और कहा कि क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो? उस आदमी ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हो जिसे सुन लोगों का मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है, शांत नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है, वो भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर से वो अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग जिनके पास शांति है वो आगे का सोचकर अशांत हो जाते हैं कि ये शांति चली जाएगी। तुम किस बात से अशांत हो? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, बुद्ध मुझे एक गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है कि मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने खत्म हो चुके हैं। मेरे बाद मेरे माता पिता बीवी बच्चों का क्या होगा, ये बात मुझे शांत नहीं रहने देती। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इसी बात से परेशान हो? उस आदमी ने कहा, नहीं, सच तो ये है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक ना एक दिन सबको ही है, ये बात सब जानते हैं। मृत्यु को तो कोई नहीं चाहता, बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब होगी, तुम्हें तो उसका पता भी है, लेकिन मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे या नहीं? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता नहीं होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते, है ना? तो अभी भी वही करो, आगे का मत सोचो, अपने आज को भरपूर जियो। जो जीवन शेष है उसे खुशी से जियो, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। वो आदमी बोला, अभी तो मैं केवल 35 वर्ष का हूँ, मैंने अपना जीवन ठीक से देखा तक नहीं है, मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने ये 35 वर्ष कैसे निकाले, कब ये समय बीत गया? नहीं पता ना? तुम्हें कुछ खास पल ही याद होंगे, एक एक दिन तुम्हें भी मालूम नहीं होगा तुमने कैसे जिया, क्योंकि तुमने अपना जीवन होश पूर्वक कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो ये 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 वर्ष के बराबर होते, और प्रत्येक दिन तुम खुशी से जीते, लेकिन तुमने सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु के समय भाग रहे हो। जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार हैं। उस आदमी ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, जीवन उपहार है ये समझ आता है, लेकिन मृत्यु भी उपहार है, ये कैसे हो सकता है? जब ये आदमी और बुद्ध बात कर रहे थे तभी उस आदमी के पिता वहां पर पहुंच गए और उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है, तुमने अपने जीवन के 35 साल जिए लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया, लेकिन मृत्यु की आहट से तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, ये जीवन को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु ना होती तो आदमी जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ता। इसके बाद बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान है? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु के बाद का भी कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम डरे हुए हो। तुम अपने जीवन के शेष दिन खुशी से जियो और ध्यान करो, तब तुम जीवन को समझ जाओगे। जब तक तुम मृत्यु को नहीं समझोगे तुम्हारे अंदर मृत्यु का डर बना रहेगा, लेकिन जब तुम मृत्यु को समझ जाओगे तो मृत्यु तुम्हें एक उपहार लगेगी। बुद्ध की बातें सुन
उस आदमी के पिता ने कहा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप मृत्यु को हमारे लिए उपहार बता रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए उपहार कैसे है? अगर मान भी लें कि मृत्यु उपहार है, तो एक ना एक दिन मृत्यु आने के बाद ये उपहार भी छिन जाएगा। इस पर बुद्ध ने उसके पिता से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? हाँ, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। बुद्ध ने पूछा, अब वो कहाँ है? वो गांव में आई एक बाढ़ के साथ बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारी बेटी के प्रति तुम्हारा प्यार कम हुआ? पिता ने कहा, नहीं, वो पल मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी ने मुझे वो उपहार दिया था। वो उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी बेटी ने मुझे पहली बार दिया था, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। इस पर बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहेगा। उसके जाने के बाद आपने कितना जिया, ये मायने नहीं रखता। खास बात ये है कि हम जो जीवन जीते हैं, उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। उस आदमी ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? आदमी ने कहा, शरीर से तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, फिर जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उस बारे में क्यों सोच रहे हो? जो समय बचा है, उसे पूर्ण रूप से जियो। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबको खुद अपना जीवन जीना होता है। हमें बस ऐसा भ्रम होता है कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। अगर आज तुम अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो, तो ये तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। इसे करने से तुम्हारे अंदर आंतरिक शांति रहेगी, लेकिन तुम रहोगे इस भ्रम में कि तुमने उनके लिए किया है, लेकिन ये तुम खुद के लिए करते हो। अगर तुम उनके लिए कुछ नहीं भी करोगे, तो भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, कठिनाइयों से भरा रहता है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब आदमी से ज्यादा परेशान अमीर आदमी होता है। इससे ये पता चलता है कि धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं, जिंदगी और मौत को समझ पाते हैं, और आसानी से जीवन जी सकते हैं। वो आदमी बुद्ध की बातें सुनकर बोला, बुद्ध, मैं आपकी बातें समझ गया हूँ, और अब मुझ में से मृत्यु का भय भी खत्म हो गया है, और अपना बचा हुआ जीवन खुशी से जीऊंगा। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी, तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और मित्रों के साथ साझा जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।